हेलो एवरीवन, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आरबी त्रिपाठी की 17 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करके देखा था, आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। पहला प्रीवियस वेक्टर जो था उसके अंदर अपन ने ए डॉट बी करके देखा था, आज हमारे पास ए डॉट बी नहीं, आज हम देखेंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, तो दो वेक्टर यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उस कंडीशन पर, यहाँ पर जो उसकी वैल्यू होगी वो ए डॉट बी क्या होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना मतलब क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर जो होना वो जीरो होना होता है। तो सपोज यहाँ पर जो दे रखी चीजें हैं उसको हम ले लें कि ए वेक्टर जो आपके पास है उसको ले लिया हमने माइनस टू आई प्लस टू जे लिया, और साथ में हमने इसको 2k लिया, एक वेक्टर मान लिया इसको। इसी तरह से b वेक्टर हमने लिया वो हो गया आपका 2i माइनस 3j प्लस 5k, ये हमने दो वेक्टर मान लिए। अब हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करके देखेंगे कि a डॉट b क्या आता है। यदि a डॉट b की वैल्यू 0 आएगी तो हम बोलेंगे कि हमारा जो वेक्टर्स है वे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमने लिखा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ओके ये तो a की वैल्यू होगी हमारी। इसी तरह से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है 2i माइनस 3j प्लस 5k। इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू फाइव। यदि मल्टीप्लाई करें हम लोग तो हम देखते हैं कि माइनस फोर माइनस सिक्स और फाइव टू से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट 1 j होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। माइनस 10 प्लस 10 हमने किया तो हमारे पास मिलने वाली चीजें वो 0 हो जाएगी। चाहे तो साइड में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, j डॉट j इज इक्वल्स टू 1 और k डॉट k इज इक्वल्स टू भी 1 होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखें, लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि a डॉट b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो हैंस करके लिखेंगे इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। तो हमने यहां पर देखा कि कोई भी क्वेश्चन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होगा, जब हम उसका a डॉट b निकालेंगे, और यदि a डॉट b जो है 0 आएगा तो हम बोलेंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके आएंगे आरबी त्रिपाठी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का, एज सून एज पॉसिबल।